बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से 3 से 4 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए ये शलवार में से बचा हुआ पीस है और कमीज़ में से जो 4 पीस बचते हैं वो वाले हैं। ये मेरे पास अलहदा से ड्रेस मैंने स्टिच किया था, उसमें से ये बॉर्डर बचा था। इसकी मैं फ्रिल लगा लूँगी। अब ये जो 4 पीस हैं इनकी साइड से सफ़ेद पीस उतार लूँगी। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनेगी। सफ़ेद पीस मैंने इसका उतार दिया। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। ये 8 पीस बनेंगे। 18 इंच की मैंने लंबाई रखी है। अब इसका इजाफी पीस ऊपर से उतार दूंगी। ये दरमियान वाले 4 पीस बनेंगे बैक और फ्रंट साइड के, 2 पीस बैक साइड के और 2 पीस फ्रंट साइड के। अब यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 5 इंच की चौड़ाई लूँगी तीरे की। सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे 6 इंच तक लाइन ड्रा करूँगी कंधे की। 7 इंच चेस्ट की चौड़ाई लूँगी और कंधे की गुलाई कर दूँगी। फ्रंट साइड की भी मैंने थोड़ी सी गहराई कर दी है। अब यहाँ पे 6.5 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। अब यहाँ पे 18 इंच पीस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसकी गुलाई कर दूंगी। अब ये वाला पीस दरमियान में ही मैंने लगाना है, ये तैयार कर लूँगी। पहले से 4 तह में इस तरह से फोल्ड करूँगी और तिरछी इसकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे 14 इंच पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसकी गुलाई कर दूंगी नीचे से। ये दरमियान वाला पीस बन गया। अब इस तरह से ये वाले पीसेस के साथ जोड़ूंगी। अब फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूंगी और ऊपर से भी थोड़ी सी तिरछी कटाई करूंगी। अब इसे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूंगी और नीचे ये वाली फ्रिल लगाऊंगी। अब मैं बाजू तैयार कर लूंगी। बाजू के लिए ये मैंने पीस लिया है, इसे मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया। 5 इंच की लंबाई रही है। अब यहाँ पे 4 इंच पे इस तरह से गुलाई दूंगी और 1/2 इंच दरमियान से छोड़ते हुए यहाँ पे भी इस तरह से थोड़ी सी गुलाई करूँगी। यहाँ से 1/2 इंच मैंने छोड़ा है। अब ऊपर वाली साइड पे चोंच डालूँगी। ये माशाल्लाह सारे पीस मैंने जोड़ लिए हैं। ये फ्रंट साइड है, यहाँ से इस तरह से पीस जोड़ा है और उसे मोड़ते हुए सिलाई मैंने लगा दी है। बैक साइड भी मैंने तैयार कर ली है। अब गले के ऊपर हुक लगाऊंगी। 3 इंच ऊपर से छोड़ते हुए यहाँ पे हुक को रखते हुए अटैच करूँगी।
एक एक इंच छोड़ते हुए ये मैंने हुक लगानी है। चार हुक लगाऊंगी। और फ्रंट साइड पे बटन लगा लूंगी। अब यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए थोड़ी सी सिलाई लगा लूंगी। अब इसे इस तरह से डबल करते हुए गले की कटाई कर लूँगी। ढाई इंच मैंने गले की लंबाई रखी है और दो इंच चौड़ाई। अब इसकी इस तरह से कटाई कर लूँगी और ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा अजाफी पीस था एक साइड का, उसे भी मैंने कटाई कर दिया। और यहाँ से भी इस तरह से, अब बैक साइड के ऊपर भी उसी तरह से निशान लगाते हुए एक इंच बैक साइड की गहराई मैंने रखी है और दो इंच चौड़ाई, उसकी भी मैंने कटाई कर दी है। अब तीरे की सिलाई लगाऊंगी। ये मेरे पास छोटे छोटे से पीस बचे थे जिससे मैंने ये फ़्राक तैयार करनी है। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी फ़्राक बन जाएगी। और इसी तरह से बचे हुए पीसेस से हम आसानी से अपनी बच्चियों के ड्रेस तैयार कर सकती हैं। तीरे की सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं गले के लिए पीस कटाई कर लूँगी इस तरह का। एक इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है। अब यहाँ पे बैक साइड पे रखते हुए इसे अटैच करूँगी और फ्रंट साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी इस तरह से रखते हुए। इस तरह से मोड़ते हुए फ्रंट साइड पे सिलाई लगा दूंगी। थोड़ी थोड़ी सी बारीक बारीक पाइपिंग निकल जाएगी, बहुत ही प्यारी सी। अब बाजू जोड़ लूँगी। बाजू की फ्रंट साइड पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी थी। अब यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी सी चोंस डाल लूँगी। अब फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। माशाल्लाह फ्राक बन गई है। ऊपर मैंने बटन भी लगा दिए हैं। बाजू इसकी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है और नीचे से फ्राक का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खुला घेर बन गया। जो फ्रिल लगाई है उसके ऊपर भी मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी चोंच डाली थी। ये इसकी बैक साइड है। फ्रॉक की लंबाई 20 इंच है